दिल्ली में कांग्रेस की आज अहम बैठक है। बैठक लोकसभा चुनाव की, इसमें परिणाम की इसमें समीक्षा होने वाली है। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति भी बनेगी। मीटिंग में झारखंड के नेता भी शामिल होंगे। झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्री शामिल होंगे, इस पर भी आज रणनीति बनेगी, फैसला हो सकता है। क्योंकि अगर बात की जाए झारखंड में कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम कमीशन टेंडर घोटाले मामले में जेल जाने के बाद उनका जो पद अवरिक्त हो गया है, और इसे लेकर भी चर्चा हो सकती है। झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्री पद भी खाली है। राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रभारी मीर साहब, अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी ने आदेश किया है कि दिल्ली में विगत लोकसभा चुनाव की भी समीक्षा करेंगे और इसी के साथ साथ आने वाले विधानसभा की भी समीक्षा होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि उनके जो आदेश निर्देश होंगे, उस आदेश निर्देश से झारखंड राज्य में आने वाले विधानसभा में हम पूर्ण बहुमत के साथ कि आज हम लोगों को विधानसभा को लेकर के आज बैठक है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी का उसमें मार्गदर्शन मिलेगा और जो राज्य में किस तरह से हम लोग ने जीत हासिल की है और उस निमित्त कहाँ कुछ कमी रह गई है, उसको ध्यान में रखते हुए सारी बातों पर चर्चा होगी। और हम समझते हैं कि जिस तरह से आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने लोकसभा के चुनाव के पूर्व इस तरह का टिप्स दिया था और उससे हमें जीत हासिल हुई है, निश्चित रूप से जो अभी विधानसभा का चुनाव होना है चार राज्यों में, उस निमित्त सभी राज्यों की बैठक हो रही है कि आज हम लोगों को विधानसभा को लेकर के आज बैठक। और इसी खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से अंकित हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अंकित, दिल्ली में लोकसभा चुनाव के परिणाम की समीक्षा होने वाली है, अगर बात की जाए तो झारखंड कोटे अगर बात की जाए तो झारखंड से किन किन नेताओं यहां पर शामिल हो रहे हैं, और इस बात का यहां चर्चा भी हो रहा है कि इसमें जो नेता पद का पद खाली हुआ है विधायक दल के नेता के तौर पर, क्या उस पर भी आज फैसला हो सकता है? बैठक कितने बजे से शुरू होने वाली है? बिल्कुल राकेश, देखिए अगर हम आपको बताएं झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की दिल्ली में बैठक आज शाम को 5 बजे होगी। कांग्रेस के राष्ट्र अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस बैठक में पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष यानी कि रायबरेली सांसद राहुल गांधी रहेंगे, उनके साथ में संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर रहेंगे। और इसके साथ में अगर हम बात करें प्रदेश के जो अध्यक्ष है कांग्रेस के राजेश ठाकुर, वो रहेंगे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो भी इस बैठक में सहभागिता करेंगे। कांग्रेस कोटे के मंत्री समेत तमाम नेता हैं वो दिल्ली पहुंच गए। इस बैठक में क्या क्या चर्चा होगी, जो आगामी समय में विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए चर्चा होगी। जिस तरीके से अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस की क्या क्या कमियां रही हैं उस पर भी चिंतन और मंथन किया जाएगा। शाम को 5 बजे बैठक ये दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें झारखंड के तमाम वरिष्ठ नेता इस बैठक में सहभागिता करने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।